चांद और मैं तारा, मेरी किस्मत का तारा तू, कहीं ये चांद तुम्हारी आंखों में डूबी हो जाए। खिलते हैं वो तारा जो अपने चांद के हमेशा पास होता है, इतने पास भी ना हो मेरे। चांद और तारा के निगाह वाले दिन, तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है, चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नजर आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियाँ इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं, लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशू से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाच नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशू की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कन्फर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निगाह वाले दिन, तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है, चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता।
तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियाँ इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं, लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशू से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाच नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशू की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते, लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कन्फर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियाँ इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं, लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशू से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है
तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशु की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माँ की टिकट कन्फर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियां इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं। लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशु से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशु कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशु की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी।
सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कंफर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रह कर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियां इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं, लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशु से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशु कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशु की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगी कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कंफर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रह कर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए।
चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियां इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं, लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशु से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशु कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशु की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगी कि मैंने तुम्हारी अगले माँ की टिकट कंफर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह कर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियां इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं, लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशु से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया।
तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठ कर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशू की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माँ की टिकट कंफर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह कर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियाँ इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं। लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशू से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठकर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है।
तो हाशू की वालदा रोमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कन्फर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियाँ इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं। लेकिन रोमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशू से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठकर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशू की वालदा रोमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कन्फर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था
कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रह कर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कम्प्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी। चांद और तारा के निकाह वाले दिन तारा तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। चांद इसे लेने के लिए जाएगा। तारा तैयार होकर दरवाजे से बाहर झांक रही होती है कि कहीं इसे चांद नज़र आ जाए। चांद भी गाड़ी लेकर खड़ा होता है कि कब तारा बाहर निकले और ये इसे घर लेकर जाए। जैसे ही इन दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। तारा को तैयार होकर देखकर चांद अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा होता। तारा शर्माते हुए चांद के पास आती है और चांद इसे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का तारा हो। जवाब में तारा कहती है कि वो तारा जो हमेशा चांद के पास रहता है। तो चांद कहेगा, इतना भी करीब मत आओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ही डूब जाऊं। तारा कहेगी, चलो अब बस करो, जल्दी से घर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब चांद तारा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है तो सब इनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। सब घर वाले भी तारा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। चांद और तारा की चचियां इन दोनों के वारे न्यारे जा रही होती हैं। लेकिन रूमी के अरमानों का खून हो रहा होता है। वो हाशू से कहती है, मैंने भी अपना निकाह का ड्रेस इतना प्यारा बनवाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरा कोई भी फंक्शन नहीं होने दिया। तो हाशू कहेगा, बेबी छोड़ो इन बातों को, अब जो हो गया सो हो गया। तारा का वालद और वालदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तारा की रुखसती हो जाती है। जब तारा रुखसत होकर अपने चांद के घर जाती है तो मच्छू इसका बैंड बाजों से इस्तकबाल करता है। सब घर वाले फूल लेकर खड़े होते हैं तारा के इस्तकबाल के लिए। दोनों बहुत खुश होंगे। सब घर वाले तारा के नाज नखरे उठा रहे होंगे। तारा का वालद और वालदा दोनों इसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब घर वाले मिल बैठकर खाते हैं। ये सब कुछ देखकर रूमी जल रही होती है कि मेरा भी इसी तरह मेरी मॉम नाश्ता लेकर आती, मैं वीडियो बनाती और मेरे फैंस देखते, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। तो हाशू की वालदा रूमी से कहती है, अगर तुम भी चांद की तरह शादी करती, पहले सब घर वालों को राज़ी करती, फिर निकाह करती, तो तुम्हारी भी इसी तरह रुखसती होती, तुम्हारा भी इसी तरह नाश्ता होता, हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाते। लेकिन तुमने जिस तरह हमारे अरमानों का खून किया है, हमने भी अपने अकलौते बेटे की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन तुमने इसे वरगला कर छुप कर इसे निकाह कर लिया है। जो छुप कर निकाह करती हैं उन्हें तो पहले कोई घर में ही नहीं घुसने देता। ये तो हमारी शराफत समझो कि हमने तुम्हें इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है और साथ साथ तुम्हारी मॉम को भी। सब बहुत खुश होते हैं। इनकी खुशियों को आग लगाने के लिए राजी साहिबा मौजूद जो हैं वो चांद से कहेंगे कि मैंने तुम्हारी अगले माह की टिकट कन्फर्म करवा दी है, अब तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो। जब चांद ये बात तारा से करेगा तो दोनों में बड़े मज़े की लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तारा कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, मैं अकेली रह रह कर तंग आ चुकी हूँ। जवाब में चांद कहेगा, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लूँगा और हम दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि तुम्हारी स्टडी कम्प्लीट हो जाए। जवाब में तारा कहेगी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट यहीं पर रहकर करूंगी।